दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनेकता पार्टी। 27 अप्रैल को सुंदरनगर में हुए मारपीट प्रकरण का मामला एसपी मंडी के दरबार पहुंच गया है। मामले को लेकर घायल नरेंद्र कुमार के परिजनों ने एएसपी मंडी आशीष शर्मा से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि सुंदरनगर में 27 अप्रैल को रात के समय नरेंद्र कुमार के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें नरेंद्र कुमार बुरी तरह से घायल हो गया था और पीजीआई में उपचाराधीन है, जहां पर उसका इलाज चला हुआ है। नरेंद्र कुमार की माता शकुंतला देवी ने मंगलवार को ग्रामीणों के साथ एएसपी आशीष शर्मा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है और जो भी इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजसेवी ब्रह्मदास चौहान ने एएसपी मंडी आशीष शर्मा से क्षेत्र में बढ़ रही मारपीट की घटनाओं को रोकने को लेकर गश्त की मांग। मेरा नाम है। तो आज आप एसपी से एएसपी से मिले तो क्या मांग की आपने? हमने मांग की है हमारे को नसाप से ये भी न्याय से ये हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारे को चाहिए नसाप और हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे 14 दिन हो गए, आज किसी ने सुनवाई नहीं किया, कोई हमारे को बताया नहीं किसी ने कुछ भाई क्या सुनवाई की हमने, कोई पुलिस वाले ने हमारे को कुछ नहीं बताया है, ना हमारे को दिखाया है भाई क्या नहीं, ना कोई आए है, ना कोई हम बोल रहे भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं भाई कार्रवाई चली है, तो हमारे को तो ऐसा साफ होना चाहिए। हम चाहते हैं इनकी बेल ना मिले, इनको रेस्ट करें, हम ऐसा चाहते हैं इनको भी सजा मिले। जो हमारा बेटा तड़प रहा पीजीआई में हॉस्पिटल में एमरजेंसी में, तो इनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र की गांगल पंचायत से लड़का नरेंद्र कुमार, जिसके लिए जिसको रात में जो है नहर के किनारे जो होटल है वहाँ पर जो उसको पीटा गया, और जिस प्रकार ये हादसे जो है हादसा किया गया, उसके लिए आज जो है एएसपी महोदय के समक्ष सभी महिलाएं और वहाँ के ग्रामीण सभी जो है आज विज्ञापन दिया, और 14 दिन हो गए और 14 दिन में अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये बहुत ही एक शर्मनाक एक बात है, और जिस प्रकार जो है ये जो हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश की भाजपा सरकार और हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ यूपी बिहार की तरह ये आज माहौल बन रहा है? 3-3, 4-4 मर्डर हो चुके, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार की नहीं। गरीब परिवार का बच्चा जो घायल हुआ है वो इस वक्त आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन कमाने वाला वही था, लेकिन जिस प्रकार उसके प्रहार किया, बुला करके किया, क्या किया, रात को उसको जो घायल किया, घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और पहुंचाने के बाद जो सवेरे सुबह जो इनको इंटीमेशन दी कि भी आपका बच्चे का भी ऐसा कई एक्सीडेंट शो कर रहे हैं, जबकि उसको मारा गया, तो ये बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। तो मैं प्रशासन और सरकार के समक्ष इन सब महिलाओं की जो पुकार है, आवाज़ है, ये पहुंचाना चाहता हूं कि इनको जो है न्याय दिया जाए, और जिस प्रकार आज हमें आश्वासन दिया कि हम तुरंत जो काल इनकी पेशी है, तो इन्होंने सब ने यही मांग की कि इनको जो है वो जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई के साथ जो है अगर जिन्होंने किया है उसको न्याय मिलना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा यही मांग की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758-0595-00 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।